जब हम निर्यात की बात करते हैं तो निर्यात में सबसे पहला उदाहरण आता है, निर्यात हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमने केवल निर्यात ही नाम सुना। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया निर्यात क्या होता है। अब निर्यात करने के तरीके अलग अलग क्या हैं। जब हम निर्यात एक्सपोर्ट में करते हैं दूसरे देशों में, तो आपने नाम सुना होगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी, नाम सुना होगा आपने हल्दीराम, एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे यहाँ पे, नमकीन मिठाइयाँ ये सब मिलते हैं। जैसे आप बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है मैकडोनल्ड का, तो मैकडोनल्ड की शाखा एक तरह से जैसे हमारे देश में, अमेरिका ने हमारे देश में स्थापित कर रखी है, ऐसे ही हमारे देश की भी कुछ बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं जो विदेशों में बहुत पसंद है लोगों को। तो हम पहले जब शुरुआत में छोटे निर्यातक होते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं निर्यात की, तो हमारे पास इतनी, हम हमेशा किसी ना किसी क्रेता को अपना माल बेचते हैं, और नेचुरली वो क्रेता फिर अपने बाजारों में उनको आगे विक्रय करता है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं और जब हम सालों तक निर्यात करते रहते हैं और जब हमारा ब्रांड नेम दूसरी जगह बोलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम अपनी ही ब्रांच उस विदेश में खोल दें। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर एक नज़रिए से देखें तो अमेरिका ने जैसे हमारे यहाँ खोल रखी है मैकडोनल्ड, पूरे देश में उन्हें मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड है, और उन्हीं के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, उन्हीं की बस हमें केवल जगह देनी होती है, उन्हीं के लोग आते हैं, मशीनें उनकी, बनाने का तरीका उनका, कच्चा माल उनका, यूनिफॉर्म उनकी, फर्नीचर उनका, सब कुछ वो उनकी स्टाइल से, कलर रंग पेंट सब कुछ उनका होता है। ठीक वैसे ही हमारे देश से हम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हल्दीराम, आप विदेशों में कभी ट्रेवल करें और अगर आप देखें टीवी पे भी, अगर आप देखें या गूगल पे आप सर्च करें, तो हल्दीराम की ब्रांच या हल्दीराम का शोरूम हर जगह आपको मिल जाएगा, हर विदेश में हर जगह आपको खुद वहीं पे उनकी, वहाँ आप हल्दीराम की पैक की हुई मिठाइयाँ, नमकीन, नाश्ते, सब कुछ वहाँ पर भी मिलता है। तो इसके अंतर्गत एक निर्यातक विदेश में अपनी शाखा खोल लेता है। यह शाखा निर्यात बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का संयोजन एवं पैकिंग कर सकती है। कभी कभी पूरा उत्पाद ही विदेश में स्थापित शाखा बना सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उत्पाद हम यहाँ से भेजें। हाँ, कई बार निर्यातक क्या करते हैं, अपना उत्पाद धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जैसे मैंने आपको हल्दीराम का एग्जाम्पल दिया कि हल्दीराम का ऐसा नहीं है कि यहाँ से बन के माल जाता है, वहाँ का जो उनका शोरूम है मिठाई, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि ताज़ा ही बनती है, नमकीन एक ऐसी चीज़ है ताज़ा बनती है, तो जो यहाँ से जा सकता है वो तो जाता है कच्चा माल, और वहाँ जाके उनके खुद के एम्प्लॉयज़ वहीं पर ताज़ा चीज़ें बनाकर सेल करते हैं। ये होता है इस्टेब्लिश्ड निर्यातक जब अपना माल दूसरे देशों में खुद खोलता है, लेकिन है तो निर्यात ही। दूसरा आता है उदाहरण संयुक्त साहस एवं सहयोग। आप लोगों ने न्यूज़ जब देखते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर दो देशों के राष्ट्रपति या दो देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलते हैं, और आपने देखा होगा न्यूज़ में वो अक्सर हाथ मिलाते हैं, दो विदेश सचिव आपस में हाथ मिलाते हैं, दो टीम्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है, हाथ मिलाते हैं तो क्या वो एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं? नहीं, हाथ मिला के आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो एक फाइल आपस में एक दूसरे को देते हैं, वो कहलाता है व्यापारिक सहयोग, यानी कि संयुक्त साहस, और यानी कि एक दूसरे के साथ। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे नाम पढ़ के सुनाऊंगी, टाटा AIG, बजाज अलायंस, स्वराज माजदा, बजाज कावासाकी, हीरो होंडा, DCM टोयोटा, इसमें DCM है, हीरो है, बजाज है, स्वराज है, ये सब हमारी देश की बड़ी कंपनियां हैं, देश के निर्यातक हैं, और इन्होंने अपना संयुक्त साहस किसके साथ किया, यानी जॉइंट वेंचर, इस किसके साथ, विदेशी कंपनियों में के साथ, जैसे DCM टोयोटा, टोयोटा जापान की कंपनी है, हीरो होंडा आपने देखा होगा मोटरसाइकिल घर घर में बिकती है, हीरो होंडा, हीरो हमारे देश का नाम है और होंडा किसका है, जापान का है। मैंने आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इससे पहले भी दे चुकी हूँ, मारुति सुजुकी, मारुति हमारे देश की कंपनी है और सुजुकी उसमें जो इंजन लगता है वो है जापान का, तो बनती हमारे देश में है,
हमारे देश में इसकी फैक्ट्री होगी, लेबर हमारे यहाँ पर होगी, बनाने वाले कारीगर हमारे यहाँ पे होंगे, विक्रय हमारे यहाँ से होगा, निर्यात हमारे यहाँ से होगा, लेकिन जॉइंट वेंचर में दूसरी प्रॉफिट जो है वो आधा आधा होता है। क्योंकि जैसे मारुति सुजुकी, तो सुजुकी का वो इंजन होता है जो मारुति कार में लगता है, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो जापान से आती है। मशीनरी जो कच्चा जो बनाने के लिए, जो भी और भी पार्ट्स बनाने के लिए जो मशीनरी आती है वो भी जापान से आती है। तो ये एक बहुत बड़ा संयुक्त साहस जो दो देशों के सरकारों के बीच होता है, ये आपस में दो कंपनी नहीं कर पाती हैं। कंपनीज के करने के लिए सरकार का जो इंटरफेरेंस है, या सरकार का जो सहयोग है, या सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी है, या ज़मीन की उपलब्धता है, वो संभव नहीं है। तो इन्हें बोलते हैं जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन, जब दो देश आपस में व्यापारिक समझौते के तहत दो बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज करती हैं और वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसे कहते हैं संयुक्त साहस या सहयोग। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी।